जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक गुरु जो होता है, यू डोंट नो कि वो आपसे कब से कनेक्टेड है, बिन बोले आपके कितने कल्याण करते हैं। मतलब हमें ये कभी पता नहीं लग सकता। और हमारे गुरु जी जैसे, मतलब देवों के देव महादेव, ऐसे गुरु के शरण में हमें आने आने का मौका मिला, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। वो बोलते थे जैसे कि आप 7 जन्मों के लिए जब तपस्या करते हो, तब जाके एक ऐसे समर्थ गुरु का हाथ अपने सिर पे पाते हो। फीलिंग सो ब्लेस्ड कि उन्होंने इतने जीव इस धरती पे और हमें चुना अपनी शरण में आने के लिए और आज सत्संग करने का मौका दिया। कॉन्शियसली आई कनेक्टेड टू हिम इन अक्टूबर 2019, बट वो जन्म जन्म से हमारे साथ है। एंड एन एग्जाम्पल इज हियर एंड माई लाइफ विथ हिम। बिफोर आई वॉज बॉर्न ही वॉज देयर प्रोटेक्टिंग मी, गाइडिंग मी, ब्लेसिंग मी। अनंतम शुक्राना उसका। वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड जो हमारे घर के लोग हैं, आउट ऑफ जेलसी मम्मा पे जादू टोने करना, काला जादू, वट एवर, सो दैट शी कुड नॉट कंसीव। 3-4 साल उनका चला ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस, नथिंग हैपेंड। एंड डॉक्टर्स ने उनको सीक्रेटली बता भी दिया कि यू शुड जस्ट गिव अप, यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव। दैट डे मतलब शी सैट फॉर हर मेडिटेशन गुरु नानक देव जी को ध्यान में लगा के। एंड उनको मतलब फीलिंग आई कि एक बार वो अपने घर के दरवाजे के बाहर जाके एक बार चेक करे। जब वो गई, शी वॉज शॉक्ड टू फाइंड लॉग्स एंड एशेस केप्ट। तब उनको एक आंटी ने आके बोला कि ये सब जो है ये काला जादू के समान है और कोई आपके घर से कर रहा है ये सब टोने ताकि आप कंसीव नहीं कर पाओ। एंड उसके बाद में काफी गुरुजी ने कन्फर्मेशन दी हुक्मनामा के थ्रू, सबके थ्रू काफी कन्फर्मेशन आई कि कोई कुछ कर रहा है। मम्मा वॉज वेरी ब्रोकन ओवर हियर के ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन उनको रहता था। And now she is getting to know that someone in the family is doing black magic on her. She went to the Gurudwara and all totally shattered. But the thing that kept her faith was the Hukumnama that day, which was Jisda Sahib Dada Hove Tistu Mar Na Sake Koe. Jiska Sahib, Jiska Guru Itna Dada, Itna Takatwar Hove, Usko कोई कुछ नहीं कर सकता, नथिंग कैन हार्म दैट पर्सन। सो दैट गेव हर होप। शी लेफ्ट ऑल हर ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस एंड उसके बाद आई वाज बोर्न, माय ब्रदर वाज बोर्न विदाउट एनी ट्रीटमेंट एट ऑल, जस्ट फेथ ऑन हर गुरु। मतलब बोलते ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इट्स एग्जैक्टली दैट हैपेंड बिकॉज इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हिज ब्लेसिंग्स। When I was born, my brother was born. अब घर वाले ये सब देख के इतने खुश तो होंगे नहीं, उनके जादू तंत्र और बढ़ते गए। एंड शी हैड टू अंडरगो 11 surgeries, उनके 3 organs निकाले गए। एंड आई वॉज अराउंड 7-8 years old, माई ब्रदर वॉज यंगर। तो इस घर में रहना वॉज अ पेन एंड आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज गोइंग इन टू डिप्रेशन। और मतलब मन नहीं लगता था एंड एक ही ख्याल चलता था कि आई विल सुसाइड राइट नाउ, आई कांट टेक लाइफ एनी मोर। एंड जो कंडीशंस चल रही थी, कोई किसी से बातचीत हमारी होती नहीं थी दैट टाइम, नो वन वाज देयर फॉर आवर सपोर्ट, फॉर लव, नो वन। एंड वन डे आई मतलब काफी महीने हो गए थे मम्मा को मिले हुए, उनके बारे में जाने। एंड हमें पता लगा, मतलब वन दीदी वर्किंग इन आर हाउस, I heard her saying कि she's living her last breaths. Doctors have told to start for her death preparations. वो रात था when I was like, this is my last night on earth. I will not be able to take it without her. And रात को बस plan बना दिया कि today I will suicide. I will not live here anymore. That night was the first night when he gave me his divine darshans. I felt his presence. वो 2 मिनट की जो उनकी प्रेजेंस थी, इतना प्यार, इतना प्यार, that stopped me. And he was like, रुक जाओ, मैं आ गया। I could not get it.
कि वो क्या है, इतनी समझ थी नहीं, तब अभी भी नहीं है ना, मतलब ना कभी आ सकती है उनको समझने की ताकत। तो वो प्यार जो था ना, है मेरे को कोई प्यार करता है, स्टॉप टू मी। एंड विद इन 2 days फ्रॉम दी ICCU शी शिफ्टेड टू द नॉर्मल रूम। शी हैड नॉट ईटन एनी सॉलिड फूड फॉर लाइक 3 to 4 years। और उसके बाद में वी वेंट टू सम बाबा टाइप पर्सन, और उन्होंने एक पूरा पराठा खा लिया उधर में, जबकि डॉक्टर सेड कि आफ्टर अ सर्जरी वो लिक्विड्स भी शुरू कर दे, बहुत बड़ी बात है। एंड उन्होंने सीधा पराठा खाया। जो ICU में बेड में उनको दर्शन मिले, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। कैसे उनको मिलते गए दर्शन और वो धीरे धीरे सब ट्रू होते गए। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दिस हैपेंड। एंड जब ऐसे मम्मा वॉज क्योर्ड, मेरे को अब एक आंख दिखती थी। एंड वो आंख कभी खुश दिखती थी, कभी गुस्सा दिखती थी, कभी इंडिकेशन देती थी कुछ भी करने को। एंड बस वो आंख को फॉलो करते करते लाइफ में जर्नी बिगैन। अब जिन बाबा टाइप के जो बंदे थे जिनके पास हम जाते थे पहले, वो ठीक थे, बट लेटर ऑन ही ऑल्सो इंडल्ज्ड इन ब्लैक मैजिक। बट वो हमें बाद में, मेरे को एटलीस्ट, लाइक आई वॉज वेरी यंग, तो मेरे को एटलीस्ट नहीं पता था तब कि वो ऐसे काला जादू करना चालू कर दिया। बट तब मेरे को दिखते थे वो आंख उस घर में, हमेशा मेरे को गुस्से से दिखती थी। एंड आई यूज टू बी वेरी सैड कि कहीं मेरी मेडिटेशन, कहीं मेरा उनका शुक्राना कम नहीं पड़ रहा कि वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू गिव इट बैक टू हिम। ये चीज मेरे को बाद में पता लगी कि जो जो बंदा उधर में गया उसकी कुछ ना कुछ नुकसान हुए, उनका हेल्थ डाउन हुआ, बिजनेस डाउन हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। वी वर कम्प्लीटली सेफ। इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट आई, वो गुस्से से मेरे को नहीं देखती थी, जो आसपास की आत्माएं, जो काली आत्माएं जो थी, जो काला जादू के थ्रू द स्पिरिट्स, वो उनको गुस्से से देखती थी ताकि आई एम प्रोटेक्टेड, वो मेरे पास नहीं आ पाते हैं, ना आ पाए। पापा को भी ऐसे दर्शन मिले उधर में, समथिंग ऑन दोज लाइन्स के वन साधु इज प्रोटेक्टिंग हिम विद द स्वॉर्ड एंड फायर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। एंड तब समझ नहीं पड़ा कि ये हम पे कोई काला जादू या कुछ कर रहा है, बट ये भी हमारे उनके साथ में कर्म थे, जो आई एम वेरी श्योर उन्होंने इतने छोटे में काट दिया, बिकॉज इट कुड नॉट हार्म अस इवन वन बिट। एंड वी केम आउट सेफली, और वो तभी भी उधर में भी उन दर्शन देते थे। ऐसे ही होता गया। अब आई हैड एन एलर्जी जो बहुत इरिटेशन मचाती थी एंड पेन करती थी। एंड होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई दवाई से इट डिड नॉट हेल्प। दैट आई आफ्टर अबाउट एन ईयर और सो, व्हेन आई नो दैट, मतलब नाउ आई लुक बैक, आई नो कि वो मेरे कुछ कर्म थे जो कटे, फिर उसके बाद ही केम एंड क्योर्ड मी। ही केम एंड ही टोल्ड मी चल हम दवाइयाँ सुट दे, एंड मम्मा वुड कम एंड गिव मी द मेडिसिन। जो भी एलोपैथिक था उसका डोज बढ़ता गया, एलर्जी भी साथ में बढ़ती गई, बट इट वॉज ऑफ नो हेल्प। सो आई टुक द मेडिसिन एट थ्री वुड। विद इन 3 days ऑफ दिस हैपनिंग दैट आई वुड कम टू मी एवरी डे एंड माई एलर्जी वैनिश्ड। इट्स बीन 4 to 5 years वो एलर्जी वापस नहीं आई। सिमिलरली विद माई स्पेक्स, मतलब मेरे को बोला गया था दैट यू हैव स्पेक्स, इज गोइंग टू बी हेरिडिटरी, आपके नान के साइड में भी, आपके दाद के साइड में भी है, तो आपके स्पेक्स परमानेंट है, डोंट रिमूव इट, नहीं तो इट विल कॉज यू इवन मोर हार्म। अब यहाँ से आते ही मेरे को वो आंख दिखा, एंड इट वॉज लाइक के चश्मे निकाल के रख दिया कर। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो डॉक्टर बोल रहा है उसको उल्टा करने में ऐसे मजा आते थे। तो वो चश्मा उतार के, जब भी मम्मा पापा नहीं होते, आई यूज टू कीप इट। 6 months लेटर ऑन व्हेन वी वेंट फॉर चेकअप, द डॉक्टर वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, बिकॉज माय आईसाइट इम्प्रूव टू सच एन एक्सटेंट दैट इट वाज बेटर देन द नॉर्मल मैन। पूरा जो चार्ट वार्ट होता है, रेड द एंटायर थिंग, एंड ही वाज शॉक्ड कि ये कैसे हुआ, दैट एवरीवन इन योर फैमिली हैज इट एंड यू ऑल्सो हैड इट एंड इट्स गॉन नाउ कम्प्लीटली। सो That I would always be with me and I was like, मतलब उस टाइम पे जब मेरे को लगा कि आप दुनिया में आते हो, योर हार्ड टाइम्स
नो वन कैन अंडरस्टैंड यू, नो वन विल बी देयर फॉर यू ड्यूरिंग योर हार्ड टाइम्स. आप अकेले आते हो, अकेले जाओगे, अनटिल एंड अनलेस यू हैव सच लवेबल गुरु ओवर योर हेड हु इज प्रोटेक्टिंग यू ईच एंड एवरी मोमेंट. मतलब आई नो ही इज बीन देयर विद मी थ्रू आउट सो मेनी केसेस वेर आई एस्केप्ड डेथ बाय फ्यू सेकेंड्स और इंचेस, और वो आंख हमेशा मेरे सामने आके खड़ी होती थी. और मम्मा को बोलना कि ये आंख आती है मेरे पास, मेरे को समझ नहीं पड़ता, बट वो इतनी कंफर्टिंग फीलिंग देती है, इतनी प्यार से देखती है, बट वो मेरे नॉन में किसी की आंखें नहीं है. ये नहीं पता था दैट इट वॉज दैट वन आई वॉज गुरुजीज थर्ड आई वॉचिंग ओवर मी एवरी टाइम ऑल ऑफ द डेज 365 days 24 hours. ऐसे जर्नी जब चलती गई. अब जो उनके पास जब हम पहले जाते थे तो इट वॉज अ वेरी रफ एंडिंग, अ वेरी सार एंडिंग उनके साथ. तो उसके बाद में और किसी के पास जाने का मन नहीं था, और कई मतलब लग रहा था भटक रहे हैं और कोई दर नहीं जा सकते, अब किसी पे विश्वास नहीं हो सकता. बिकॉज माई नानी वॉज सिवियरली अफेक्टेड एंड मतलब उस टाइम पे बहुत टूटा टूटा लगा कि 14 years 14 साल खाली इधर से उधर भटकते भटकते, कोई कुछ बोलता है कुछ कुछ करता है, बस अब यही सब में चले जाना है जिंदगी, एंड नथिंग गुड कैन हैपन टू अस, एंड आई विल नॉट गो टू एनी प्लेसेस. मतलब गुरुद्वारा वगैरह से भी दूर हट जाना, पाठ वाठ एकदम दूर, कोई रिलेशन नहीं. एंड व्हेन आई वाज 15 2019 में पता लगा दैट नानी की हेल्थ इतनी डाउन हो गई दैट शी विल हैव टू अंडरगो एन ऑपरेशन, और उनके इंटेस्टाइन में म्यूकस वगैरह भर गया था, एंड डॉक्टर सेड देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ सर्वाइवल, और अगर वो सर्वाइव कर भी गए ना तो इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज वो बाहर आए तो उनकी लाइफ बहुत कष्ट भरी होगी, स्टोमा एंड टाइप से सब के साथ में, डाइपर्स में एवरी टाइम ऑल ऑफ दैट. सो इट इज बेटर दैट शी डज नॉट कम अप. नारंग अंकल आए थे उस दिन, ही फ्लू डाउन टू मुंबई, एंड नानी के पास में उन्होंने स्वरूप रखा गुरु जी का, एंड लोटा दिया गुरु जी का ब्लेस. एंड जब उनका सर्जरी कंप्लीट हुआ, फर्स्टली इट वॉज सक्सेसफुल, एंड सेकेंडली उनको स्टोमा वगैरह नो पाइप्स नथिंग, शी केम आउट हेल एंड हार्टी कंप्लीटली फाइन. तब मतलब थोड़ा थोड़ा विश्वास बैठने लगा कि ये कोई है. अब आई लिव इन कलकत्ता, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि वहां पे क्या क्या हो रहा है. तो बॉम्बे में पहला हुआ शुक्राना सत्संग उनके लिए घर पे, और आई वॉज देयर, मम्मा वॉज देयर, पापा एंड माई ब्रदर वॉज नॉट देयर. तो जब उनका शुक्राना सत्संग होने लगा था एंड आई वेंट देयर, नानी के पास में उनका स्वरूप पड़ा रहता था, एंड आई वुड बी लाइक स्वरूप नो ना पुट्ठा करके रख दो, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट इट. आई वॉज सो एंटी, मतलब दिमाग में क्या पत्थर पड़े थे कि स्वरूप उल्टा करके रख दो. बिकॉज तभी भी मेरे को लग रहा था कि स्वरूप से इतनी एनर्जी आ रही है, लेकिन हम इतने मतलब वो टीनेज हवा और वो माया में इतने डूबे हुए थे कि वो एनर्जी कैसे एक्सेप्ट करे, इतनी दिव्य एनर्जी हम जैसे लोग कैसे एक्सेप्ट करते. एंड तभी भी उनमें भी उनकी आंखें हिल रही थी, और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई वॉज हैलुसिनेटिंग, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. सो आई डिड नॉट इवन वॉन्ट टू लुक एट अ स्वरूप, पर सत्संग होना था तो नो वन लिसन टू मी ऑब्वियसली. एंड सत्संग हुआ, आई वेंट मतलब सेवा वेवा की, एंड जब दरबार सेटअप ऑलमोस्ट हो गया, उनका स्वरूप आया मंदिर से, एंड आई वेंट इन फ्रंट ऑफ हिज चेयर एंड आई स्टूड. जैसे ही आई वेंट देयर आई फेल्ट आई बम्प्ड इनटू अ पर्सन मेड ऑफ रोजेस. उस टाइम माय नोज वाज ब्लॉक्ड, एवरीथिंग वाज देयर, माय टॉन्सिल्स वर एकिंग, माय नोज वाज सो ब्लॉक्ड दैट माय स्मेल वाज नॉट कमिंग एट दैट टाइम. तो बस वो जब ऐसे आई फेल्ट आई बम्प्ड इनटू अ पर्सन एंड माय हेड जर्क्ड बैक, और दैट वाज द ओनली डे, 2019 चलेगा, 2020 चलेगा, 2021, that kind of congestion pain has not come back.
तब मेरे को लगा कि दैट टाइम आई डिड नॉट नो इट वाज गुरुजीस प्रेजेंस, उनका सचखंड का वो फ्रेग्रेंस उन्होंने दिया, उन्होंने बख्शा. बट आई वेंट ऑन विद माई ईगो स्टैंडिंग ओवर देयर एंड देखते ही देखते संगत ने लाइन बना दी. अब सेवा करके आई वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड एंड ईगो भरे इंसान तो हम है ही. सो आई चैलेंज हिम दैट सी we belong to a Sikh family and हमारे में सिखाया गया कि आप खाली गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अपना मत्था टेकोगे और कहीं नहीं. उससे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता. ऑनेस्टली आई वॉज टेलिंग हिम लाइक दैट कि उससे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल नॉट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ यू. आपको जो करना है कर लो. आई टोल्ड हिम दैट एंड आई टोल्ड हिम कि एक सच्चा गुरु ना अपने भक्त अपने आप चुनता है. इफ यू वॉन्ट मी इन योर शरण आप खुद बुलाओगे, आई विल नॉट कम टू यू. आई टोल्ड हिम दैट एंड आई वेंट इनसाइड एंड सत्संग में इतना मतलब अंदर से इतनी हलचल मच रही थी एंड आई स्लेप्ट. और एक बहुत अजीब सी विजन आई उस टाइम पे. आई गॉट अप एंड आई वाज रनिंग अराउंड द हाउस ट्राइंग टू फाइंड मम्मा कि आई विल नॉट स्टे इन फ्रंट ऑफ दिस स्वरूप, आई विल नॉट स्टे वेयर सत्संग इज गोइंग ऑन, आई एम गोइंग डाउन. But I could not find her and one auntie stopped me and she told me कि आप जाओ और गुरुजी को भोग लगाओ, भोग चढ़ाओ. And उस time भोग का भी कुछ पता नहीं था. तो I went to aunties followed by very casually, very carelessly उनको भोग रखा, बस छोड़ के जैसे आ गए. And सोच रहे थे, I was thinking कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, इन्होंने कौन सा जादू किया हुआ इन पे कि इतने प्यार और शिद्दत से यहाँ पे लोग मत्था टेकते हैं एक खाली चेयर के सामने. दैट वाज माय मतलब इतनी मूर्खता भरी थॉट्स थी उस टाइम पे. और वो आंटीज जो थी वो मत्था टेक रही थी एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है. आई वाज आई एम कीपिंग द प्लेट और वो मत्था टेक रहा है एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू गो बैक के वन अंकल स्टॉप्स मी एंड ही इज लाइक के बेटे आपको मत्था नहीं टेकना. एंड देन आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, अपना मस्तक उनके चरणों पे रखना पड़ा एंड दैट इज हाउ उनके साथ में मेरी जर्नी शुरू हुई. व्हेन आई वेंट इनसाइड आई थॉट कि कैसे इतनी ईगो में आके आई चैलेंज्ड हिम और उन्होंने वो किया. देन आई रियलाइज दैट माय नोज इज फाइन. देन आई गॉट टू नो माय नानी को इन्हीं के थ्रू हील हुई है. एंड आफ्टर दैट मम्मा वॉज डूइंग द लंगर सेवा और उनके हाथ में 3 बर्न्स आ गए थे एंड आई लाइक पता नहीं कौन से गुरु है इनकी सेवा करते करते इनको इतनी लग गई है. एंड विद इन 45 मिनट्स जहाँ पे ब्लिस्टर था ना उस पे स्किन की लेयर आ गई है, ब्लिस्टर गायब, 2 बर्न मार्क्स गायब, पता नहीं कैसे गए, दे वर बिग बर्न मार्क्स और वो ठीक हो गए. एंड वही लाइन बस चल रही थी कि एक सतगुरु की सेवा में आपको कभी दुख नहीं आ सकते, आपको कभी तकलीफें नहीं आ सकती, वो खुद भी ले लेंगे पर आपको कुछ होने नहीं देंगे. एंड बाय चांस अगर आपको कुछ होता भी है वो मेरी बहुत बड़ी चीज है जो आप पे आने वाली थी, इतनी छोटी में उन्होंने काट के अपने पे ले ली, उसका शुक्राना. अब मतलब गुरुजी में ढलने लग ही गए थे कि मतलब पहले आई वॉज नॉट गोइंग टू हिम आउट ऑफ फियर कि यहाँ पे भी कहीं ठोकरे ना खा जाए हम, पूरी जिंदगी खाए अभी तक. आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट अगेन एंड बट फिर भी उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, आई वाज ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट नाउ. एंड कैलकटा आई केम बैक एंड कैलकटा वी हैड अ सत्संग. आई वेंट देयर एंड सिंस वी वर लेट तो हम काफी पीछे चेयर पे बैठे थे एंड आई टोल्ड गुरुजी आई डोंट वांट टू सिट विद मम्मा, आई वांट टू सिट विद यू सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू. आई वॉन्ट टू सिट on the ground and I want to sit near Guru Nanak Dev Ji. And usi waqt one sevadar uncle comes and he's like teri jagah idhar nahi hai tu samne chal and he makes me sit in the darbar mein darbar area below Guru Nanak Dev Ji swarup and I was like ye to hamari har baat sunte and bas yahi man mein chal raha tha ke okay he is listening to me but fir bhi wo डर ना अभी तक जा नहीं रहा था कि क्या ये जगह ठीक है, क्या हमारा दिल यहाँ पे वापस नहीं दुखेगा. एंड उसी वक्त द शब्द चेंजेस टू
मैं सबदा होके वेख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं दर दर भटक के वेख लिया, हुन तेनु मिलना बाकी। समथिंग ऑन दोज लाइन्स द शब्द प्लेड। आई गॉट माई आंसर इमीजिएटली एंड आई डू नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। मतलब आई लॉस्ट माई सेंसेज, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज हाउकलिंग, आई वॉज स्क्रीमिंग, पता नहीं अंदर से क्या क्या निकल रहा था उस दिन। एंड गुरु नानक देव जी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड हिज फेस चेंजिंग टू गुरु जी देन टू गुरु नानक देव जी, सो मैजिकल। एंड आई वॉज लाइक पता नहीं हम क्या पागल है, इनको डाउट कर रहे थे, यही तो नानक, यही तो शिव, यही तो हमारे भगवान है, इनको डाउट किए हम। एंड दैट वॉज द डे वेन माई जर्नी स्टार्टेड एंड इट वॉज टाइट नॉट दैट दिस इज माई एंड। मतलब इसके आगे और कोई कहीं नहीं जा सकता। और इस एज में उन्होंने एक मतलब ऐसे गुरु, मतलब इट्स बियॉन्ड वर्ड्स के इतने प्यारे गुरु, इतने मतलब पावरफुल गुरु, और उन्होंने हमें चुना, इस एज में जोड़ लिया। एंड आई लैक ऑफ वर्ड्स कि उनका शुक्राना कैसे करे। मतलब द जर्नी वेंट ऑन। एंड अब घर में कोई उतना नहीं मानता था, स्पेशली जॉइंट फैमिली तो कोई नहीं। मम्मा थोड़ा थोड़ा मानती थी, भाई पापा कोई नहीं मानता था। आई वॉज दी ओनली वन ओवर हियर जो अब एकदम पागल हो गए थे इनके पीछे। एंड तो इसलिए मेरे माइंड में मेरे को अब इनके सत्संग पे जाना था। वो मेरे को मिलता था वंस अ मंथ। आई वुड बी वेरी सैड, वेरी अपसेट, आई वुड क्राई के जाने दो जाने दो। एंड देन आई स्टार्टेड अमृत वेला, नॉट नोइंग के अमृत वेला इज समथिंग और वट एवर इट इज, बस ये माइंड में रख के कि ये टाइम है जब मेरे को कोई देखेगा नहीं, मेरे को कोई टोकेगा नहीं, सब सोए होंगे, आई डू इट। एंड वट एवर अमाउंट ऑफ डेज आई डिड, 80 days, 90 days, 70 days, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई बेरली स्लेप फॉर हाफ एन आवर और 1 hour ऑन इंटायर डे, बिकॉज मेरा क्लास 10th चल रहा था। एंड सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर क्लासेस रहती थी, रात को टाइम मिलता था एंड गुरुजी पास में फिर बैठ जाना। हार्डली 1 hour, 2 hours आई यूज टू स्लीप एंड यू कुड नॉट मेक आउट फ्रॉम माई फेस दैट आई एम नॉट स्लीपिंग, नॉर डिड आई फील द अर्ज ऑफ स्लीपिंग। इतना एनर्जाइज, इतना एनर्जेटिक आई यूज टू फील। माई ट्यूशन टीचर्स वुड आस्क मी, डोंट यू स्टडी, क्योंकि तुम्हारे जो भी दोस्त है दे आर स्टडिंग एंड उनका ना चेहरा उतरा हुआ है और तुम्हारा लग रहा है दैट यू आर स्लीपिंग द इंटायर डे एंड यू आर हैविंग फन एंड ऑल ऑफ दैट। How long do you sleep? What are you doing nowadays? And that was the energy he gives us throughout the day. Bas ek wo vishwas rehna chahiye that he is there. And after connecting with him, I think each day you can feel his presence. Har ek din ek satsang rehta hai. Aur specially during those days, jab unke paas baithna, kuch na kuch hona hi zarur. Aur one of the days of my Amrit Vela times, my left wrist had a bone which grew out. So, wo bahut pain karta tha. And Sikh family, everyone is not a non-vegetarian, but excepting me. Or since a very young age. And some usually meko bolte the ki that you should eat non-veg, you should eat non-veg, but I could not eat. So, a doctor said that the amount it is growing, मतलब it was piercing through my skin. तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करके कट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद दवाइयां, इंजेक्शंस के डोजेस आपको लगते रहेंगे एंड यू बेटर स्टार्ट नॉन वेज। उसी दिन गुरुजी का वो वचन आया था कि आपका एक बॉडी है, बॉडी की तरह ट्रीट करो, शमशान घाट नहीं है वो। नॉन वेज इंटरफियर्स इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। एंड आई वेंट टू गुरुजी एंड आई वाज लाइक कि आपको जो करना है कर लो, बस नॉनवेज बचा लेना, आई कांट हैव इट। माय स्टमक स्टार्टेड टू एक इमीडिएटली आफ्टर लाइक 5 minutes और सो। एंड द फर्स्ट थिंग दे वर लाइक फॉर द नेक्स्ट 3 days यू आर नॉट हैविंग नॉनवेज। एंड अमृत वेला मेरा चलता रहा। आई वेंट टू गुरुजी एंड आई एम लाइक आपके पास 3 दिन है, आपको जो करना है कर लो, आई कांट हैव नॉनवेज। चंदन के टीके के सत्संग सुने थे,
चंदन का टीका गुरुजी को लगाना, फिर रिस्ट पे लगाना। नेक्स्ट डे मेरे को पेन नहीं हुआ, बट आई डिड नॉट रियलाइज क्लासेस ट्यूशन। फिर अगले रात व्हेन आई वेंट टू पुट द चंदन का टीका, वो बोन गायब हो गया, इट वैनिश्ड इनटू थिनर। अब तक हम सत्संग सुनते थे तब, मतलब मेरा ठीक है, पर पापा एंड ऑल वर लाइक के आपको कैसे पता कि सच है, ये तो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। नाउ आई शोड हिम सी द बोन कैन वैनिश इनटू थिनर जस्ट लाइक दैट। He did it for me. He did it to show it to you. And that was the thing के सब खुला खुला नहीं मानने लगे, but मतलब सब उससे पहले जो कुछ भी होता था he would take it as a coincidence. But this time he could not take it as a coincidence because वो उनके सामने था जो एक रात में गायब हो गया हड्डी। So उसका शुक्राना, ये faith जैसे और बढ़ने लगा। उसके बाद कोई एटलीस्ट मेरे को रोकता नहीं था कि you will not do anything or whatever, and I could put up his darbar. So matlab it started on like this. Matlab unke kya hi satsang, each thing he does heal, each thing he takes care of. Mamma ka cervical strip disc ka pain chalu hota tha, and we knew ki 3 months now she is bedridden, but this time after coming into Guruji Sharan, उनका जब एक बार चालू होने लगा, गुरुजी gave her darshan and she was completely okay. He healed my ovaries through his darshan, जो without any medication, without any symptoms, without any complication, he healed them. एक बार उन्होंने telepathy के लिए, फिर उसके बाद में मम्मा का fracture foot जो था वो ठीक किया just by giving her some खाली वो छोटा सा में उन्होंने काट दिया। उनके सत्संग अभी सुनाने जाए तो पूरी रात गुजर जानी है, बट दीज आर अ फ्यू सत्संग कमिंग इन माई माइंड। एंड जैसे पहले जो आंटी आए थे उन्होंने एक सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें गाइड करके अपने मंदिर में दर्शन करवाए। सो दिस लास्ट सत्संग के सेम सिमिलर थिंग्स ऑन दिस लाइन मतलब हैपेंड दिस फ्राइडे महाशिवरात्रि के अगले दिन। वी वेंट टू छोटे मंदिर बड़े मंदिर, जी के मंदिर हमने बाहर से दर्शन किए। एंड मेरा मन थोड़ा सा था कि यार काश जी के मंदिर भी हो जाए, बिकॉज लास्ट टाइम भी जी के मंदिर हमारा नहीं हो पाया था, एंड आई न्यू कि अब दिल्ली वापस लेकर आना नहीं हो पाएगा। तो मन में बस ये था, एंड आई यूज टू हियर सत्संग कि कैसे गुरुजी रहते थे फिजिकल फॉर्म में, एंड वो लोगों को बोलते रहते थे कि आंदे हो आया करो, and over here I know that I will not be able to come back 6-8 months 1 year, I don't know when I will be able to come back. तो वो सब experiences तो हमें नहीं मिल पाएंगे कभी। Maybe वो हमें bless कर रहे हैं, वो तो अभी कर रहे हैं, but वो जो like how he talks so मतलब sweetly, स्वरूप से इतना प्यार मिलता है, तो if he's sitting live in front of you, वो मतलब लगता था कि ये तो हमारे साथ कभी हो नहीं पाएगा। And my friend was with me during the mandirs, and उसको एक नियति नाम है उनका, and हमारा आंटी one lady comes in front of जीके मंदिर and she is like she gave the timing of जीके मंदिर। वो वहां पे मतलब प्रेस कर रहे थे and she had गुरुजी स्वरूप, उनके पास कोई ज्ञान है, वो खुद हमारे पास आए and वो उनको मतलब बोले कि जीके मंदिर के ना ये से ये टाइमिंग है आज और ये से ये टाइमिंग है, ये टाइम के बाद आप आ जाना, आज आपके दर्शन पक्के हो जाएंगे, और आज आप आ रहे हो ना आते रहा करोगे। मतलब शी टोल्ड इन पंजाबी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने ऐसे बोला समझ में नहीं पड़ा, और फिर वो बोले कि शुक्राना करना मत भूलना, जब कुछ भी आपको मिल जाए तो शुक्राना करना मत भूलना। एंड समझ में नहीं पड़ा कि ये क्या है, एंड उन्होंने ये वो बोल के ये चले गए। अब शी कॉल्ड मी अप, कैसे ऐसे आंटी है, आई विल नॉट बी एबल टू कम, यू गो। एंड जी के मंदिर हमारे रास्ते में ही ऑलमोस्ट पड़ रहा था, हम गए, बड़े मंदिर से निकलते निकलते काफी लेट हो गया था, बट
देन आई वॉज गेटिंग अ लिटिल के यार उन्होंने ये टाइम बोला अब हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे. एंड जीके मंदिर हम जैसे ही वहां पे पहुंचे वन अंकल कम्स आउट रनिंग आउट एंड ही टेक्स अस इनसाइड विदाउट आस्किंग एनीथिंग एंड द आंटी इनसाइड रशेस टू अस एंड शी इज लाइक के आप यहाँ पे कहाँ से आ गए. वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए एंड आई विल लाइक के क्यों ये क्या हुआ. अच्छा दैट आंटी टोल्ड अस दैट शी इज इन द मंदिर थ्रू आउट. सुबह में भी वहां पे रहती है शाम में भी उधर रहती है कभी भी जाओ उधर रहती है. गुरुओं का दरबार है ये तो सबके लिए खुला है. एंड आई टोल्ड हर दैट दिस लेडी केम विद दिस बिग स्वरूप इन हर हैंड एंड उन्होंने ऐसा ऐसा बोला तो शी लाइक ऐसी कोई लेडी यहाँ पे है नहीं और ये टाइमिंग्स किसी को पता होते नहीं है सेकेंडली एंड थर्डली जब हम अंदर मंदिर के होते हैं हम लॉक कर देते हैं. ये तो अंकल को पता नहीं क्या हुआ ही रश्ड आउटसाइड सो द गेट वॉज ओपन हार्डली फॉर अ मिनट. अगर आप 2 मिनट पहले आते हैं 2 मिनट बाद में आते हैं आप अंदर ही नहीं घुस पाते. सो आई वॉज मतलब कि ये कैसे हुआ एंड जो वो ऑरा फील हो रहा था आई कुड फील के गुरु जी कुछ कर रहे हैं मेरे स्टमक में एंड आई कुड फील दैट एनर्जी इन साइड मी. उन्होंने जल प्रसाद दिया गुरु जी क्लास का महाशिवरात्रि का एंड वी हैड इट एंड वी वेंट. तो वो छोटी सी विश कि गुरु जी आप तो ओल्ड संगत रहती थी आप उनको बोलते थे आते हो आते रहा करो ये छोटी सी विश उन्होंने यहाँ से ऐसे करके पूरी कर दी. मतलब यही बात एक और थी कि आप किसी से कुछ गाने गवाते हो किसी से कुछ गाने गवाते हो हमारे लिए कुछ नहीं है. एंड वन नाइट वाइल स्लीपिंग आफ्टर अमृत वेला आई वाज लाइक कि आप तो हमारे लिए हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ होगा नहीं एंड आई डू अमृत वेला आपको तो फर्क नहीं पड़ता आप तो प्यार नहीं करते आपको क्या है आप हमारी थोड़ी ना वेट करोगे आने की. एंड माई शब्द प्ले लिस्ट वॉज गोइंग ऑन इट चेंज टू a song which was not possibly be there in the Shabad playlist और उसमें था तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनु प्यार कर दा हाँ तुझे कैसे पता ना लगा कि मैं तेरा इंतजार कर दा हाँ. That melted my heart. ये छोटे छोटे moments when you know there's someone listening to each small wish of yours वो एक एक चीज पूरी कर रहे हैं और आपको प्यार कर रहे हैं मतलब that is the biggest thing कि इस दुनिया में आपको कोई प्यार कर रहा है और इतने प्रोटेक्टेड रख रहा है. मतलब हमारे कितने जन्मों के बुरे कर्म होंगे इतने युग बीत गए हम अभी भी दुनिया में भटक रहे हैं और फिर भी कैसा गुरु जो इतनी सब खामियां होने के बाद भी हमें चुनता है. सो ब्लेस्ड मतलब कोविड गया माय ब्रदर गॉट कोविड गुरु जी के जल प्रसाद से ही वॉज हील्ड. मतलब देयर आर मेनी सत्संग बट शुक्राना नो वर्ड फॉर शुक्राना के व्हाट कैन आई से एंड थैंक यू अगेन. जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी.